जो असली टूटान स्थल है, जो भूगोल है, वहीं पे हम लोग सब लोग गए थे। टूटान वाले गैप को फिर से रिस्टोर करना, मैंने फिर से भरने की, इस तरह की स्थिति फिर से नहीं आए। इसके लिए जो अभी वर्तमान बांध की ऊंचाई है या उसकी चौड़ाई है, हम लोग दोनों चीज़ उसको बढ़ाएंगे, फिर भविष्य में इस तरह की त्रासदी नहीं आने की उम्मीद रहेगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। पिछले दिनों नेपाल में भारी बारिश के बाद गंडक बराज और कोसी बराज के 56 फाटक जो है वो खोल दिए गए, जिसके बाद बिहार में जो तबाही आई उसकी तस्वीरें आपने देखी थी, किस तरीके से बिहार के 16 जिले जो हैं वो जलमग्न हो गए, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, आम जनजीवन किस तरीके से व्यस्त हो गया था। फिलहाल अभी भी कुछ तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं कई जिलों से, चाहे वो कटिहार हो, भागलपुर हो, दरभंगा हो, सीतामढ़ी हो, अररिया हो, इन तमाम जिलों से तस्वीरें निकल के सामने आ रही हो। और किस तरीके से हमने आपको वो तमाम लाइव तस्वीरें भी दिखाई थी गंडक बराज की, कोसी बराज की, करीब 56 सालों का रिकॉर्ड जो है इस बार टूटा, 12 लाख क्यूसेक टन जो है वो पानी छोड़ा गया गंडक बराज और कोसी बराज से, जिसके बाद बिहार के 16 जिले जो हैं वो बाढ़ के पानी से तबाह हो गए। लेकिन इसमें अब बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि जल संसाधन विभाग की ओर से अब डैम का निर्माण कराया जाएगा ताकि बिहार को जो है बाढ़ से मुक्ति मिल सके। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार तत्पर रहते हैं, हवाई सर्वे हो या फिर सामुदायिक किचन हो, इन तमाम जगहों पर जाके खुद निरीक्षण करते हैं, देखते हैं कि आखिर स्थिति जो है वो किस तरीके की बनी हुई है। और इसी कड़ी में जल संसाधन विभाग की ओर से जो है कल तटबंध को जाकर देखा गया कि आखिर तटबंध की स्थिति क्या है, किस तरीके से सारे तटबंध जो है वो टूट गए, करीब 7 तटबंध जो है इस बाढ़ की त्रासदी में टूट गए थे। और इसी कड़ी में विजय चौधरी जो है स्थल का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा है कि सभी तटबंधों को फिर से सुरक्षित और अच्छे से बांधा जा रहा है, ओवर टोपिंग की जा रही है, वहाँ तटबंधों को ऊँचा और सुदृढ़ करने का निर्देश भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस केंद्रीय बजट में पहली बार बिहार की बाढ़ की समस्या को जो है निपटाने के लिए करीब 11,500 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, और इसी के तहत टेंग, तैयपुर, अरेराज और डगमारा में बराज निर्माण की योजना जो है वो बन रही है। इन तमाम इस बराज को लेकर विस्तृत में क्या कुछ विजय चौधरी खुद बता रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम किया है, आप सब लोग जानते ही हैं, और हम लोग अभी वहाँ पर जो असली टूटान स्थल है, जो भूगोल है, वहीं पे हम लोग सब लोग गए थे। और हमारे टीम के सबसे वरिष्ठतम जो इसके विशेषज्ञ अभियंता लोग हैं, उनका भी दल हम लोग लेके गए थे, क्योंकि अब हम लोग के सामने दूसरी चुनौती है उस टूटान वाले गैप को फिर से रिस्टोर करना, मैंने फिर से भरने की। लेकिन आज भी जो स्थिति हम लोग अभी देख के सीधा आ रहे हैं, वहाँ अभी भी पानी का बहाव तेज चल रहा है। तो इस परिस्थिति में हमारे टेक्निकल टीम फिर से एक बार उसको असेस करने जाएंगे अलग से, और कैसे उसको जल्द से जल्द उस गैप को हम लोग भर सकते हैं, उसका भी प्रयास किया जा रहा है। वैसे हम लोगों के विभाग ने ये लगभग तय कर लिया है कि आने वाले समय में इस तरह की स्थिति फिर से नहीं आए। इसके लिए जो अभी वर्तमान बांध की ऊंचाई है या उसकी चौड़ाई है, हम लोग दोनों चीज़ उसको बढ़ाएंगे, उसकी ऊंचाई भी बढ़ाएंगे, उसको और मजबूत भी करेंगे, और उसको खूब सुदृढ़ बनाने के लिए उसके ऊपर ब्लैक टॉप करके रोड भी बनाएंगे, जिससे अगर उस पर आवागमन होते रहता है तो कॉम्पैक्शन मैक्सिमम होता है, और मतलब वो बांध और सड़क मजबूत बनती है। उस हालत में फिर भविष्य में इस तरह की त्रासदी नहीं आने की उम्मीद रहेगी। तो हम लोग दोनों फ्रंट पर काम कर रहे हैं, विभाग की तरफ से, जल संसाधन विभाग की तरफ से, हम लोग के बांध को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए कि आने वाले समय में फिर
किसी भी तरह की कोई इस तरह की के हालात पैदा नहीं हों। और दूसरी बात, जिला प्रशासन से बात हुई है, जो भी राहत उन लोगों को मिलना है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई निधि की कमी नहीं है। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि खजाने पर, यानी राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार होता है। इसलिए जो भी संसाधन राज्य सरकार या जिला प्रशासन के पास उपलब्ध रहता है उसमें राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश रहता है कि जो आपदा पीड़ित हैं उनको हर संभव अधिकतम मदद किया जाए। और जिला प्रशासन भी काफ़ी सक्षमता से, मुस्तैदी से काम कर रही है, जिसका मुजाहिरा, यानी मैंने जिसको का फीडबैक भी सही हम लोग को उस स्थल से भी मिला, उन इलाकों में भी मिला जहां के लोग सबसे अधिक प्रभावित थे। आपने जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी को सुना, जिन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी दी और बताया कि किस तरीके की जो है त्रासदी आई हुई थी बिहार के 16 जिलों में, जिस तरीके की तस्वीर सामने आई और जिसके बाद जिला प्रशासन भी मुस्तैद था, इसके बारे में भी विजय चौधरी ने बताया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य का जो खजाना है वो पहले आपदा पीड़ितों के लिए है। और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले दिनों हवाई सर्वे करते हुए नजर आए थे, बाढ़ पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, चाहे वो सूखा राशन कैसा दिया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों के बारे में देखते हुए नजर आए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं विपक्ष इसको मुद्दा बना के निशाना साधता है कि सरकार की ओर से कमियां हैं, बराज को निर्माण नहीं कराया जा रहा है, बाढ़ को कैसे रोका जाए बिहार में आने से, नेपाल में जो भारी बारिश होती है उसको लेकर जो है लगातार विपक्ष सरकार पे निशाना साध रही थी। और इसी कड़ी में अब जो है ये कहा गया है कि ये 4 नए बराज का निर्माण कराया जाएगा। हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि कौन कौन से बराज के बारे में जो है बोला गया है। टेंग, तैयबपुर, अरेराज और डगमा में बराज के निर्माण की जो है योजना बन रही है। और इसी के तहत आपको बता दें तो जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी जो है वो पहुंचे हुए थे दरभंगा में और तमाम चीज़ों का खुद उन्होंने निरीक्षण किया। मंत्री ने कहा कि बिहार में बाढ़ के प्रभाव को निरंतर कम करना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शीर्ष प्राथमिकता है। इसके लिए पिछले वर्षों में तटबंधों के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण और उस पर रोड बनाने सहित कई कार्य किए गए हैं। इस पूरे नेपाल के साथ भारी बारिश हुई जिस कारण जो नदियां उफान पे हुई और गंडक बराज के जो फाटक खोले गए, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको पिछले दिनों दिखाई थी कि किस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, किस तरीके का त्राहिमाम मचा हुआ था बिहार के 16 जिलों में, तमाम तस्वीरें निकल के सामने आई थी। और इसी कड़ी में जल संसाधन विभाग की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया है। आपने सुना है विजय चौधरी ने किन किन तटबंधों के निर्माण के लिए, बराज के निर्माण के लिए कहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।